दुर्ग में आईपीएल सट्टा के पकड़े गए आरोपी को बचाने हवलदार हरीश चौधरी ने मांगी रुपए जिसकी जानकारी दुर्ग एसपी को मिलते ही हवलदार को सस्पेंड किया गया दुर्ग जिले की पुलिस एक और आईपीएल सट्टा पर एक ही दिन में तीन अलग अलग कार्रवाई करके वाहवाही लूट रही है तो वहीं दूसरी ओर दुर्ग थाने में पदस्थ विवेचक हवलदार हरीश चौधरी पर आरोपी को बचाने के लिए रुपए मांगने का आरोप लग रहा है मामले की शिकायत जब एसपी जितेंद्र शुक्ला से की गई तो उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए हवलदार चौधरी को सस्पेंड कर डाला इस मामले के अनुसार शनिवार को क्राइम टीम ने दुर्ग के पदमनापुर क्षेत्र से दो आरोपी मृत्युंजय चंद्राकर व चिरंजीव भाटी और रायपुर के फार्म हाउस में तबीज देकर एक आरोपी मनीष लेगवानी को गिरफ्तार किया था साथ ही पुलिस ने आरोपियों से बीस हजार रुपए नकद और लाखों रुपए की सट्टा पट्टी भी जब्त की थी जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करने के बाद आरोपियों को पकड़कर आगे की कार्रवाई के लिए पदमनापुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया मामले में आगे की विवेचना के लिए फाइल हवलदार हरीश चौधरी के पास आई तो हरीश चौधरी ने मामले में एक आरोपी को बचाने के लिए तीन लाख रुपए की रिश्वत मांग ली इसकी शिकायत के बाद पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला तक पहुँची इसके बाद एस शुक्ला ने हवलदार को सस्पेंड कर डाला और मामले की जाँच की जा रही है एसीएन न्यूज़ के लिए सेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट